राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिले आरक्षण में संशोधित करते हुए प्रदेश सरकार ने आरक्षण को बहाल किया, जिसके विरोध में सर्व आदिवासी समाज रायगढ़ के बैनर तले अपनी एक सूत्री मांग को लेकर रामलीला मैदान से रैली निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज रायगढ़ के युवाओं ने छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी विधायकों और सांसदों के प्रति नाराजगी जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज रायगढ़ के द्वारा 22वां राज्य उत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को बहिष्कार करने की घोषणा की। आपको बता दें, आदिवासी समाज ने आरक्षण को लागू करने की मांग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और आदिवासी विकास मंत्री प्रेमसाय सिंह टिकाम ने के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी समाज द्वारा एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें इनका कहना है कि 32% आरक्षण का प्रावधान है जिसको सरकार समाप्त कर दी है, तो उसके विरोध में ज्ञापन दिए हैं और राष्ट्रपति जी के नाम पर एक पत्र दिए जिसको मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ न्यायालय को भेजा है। इसके विरोध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं, इसलिए ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा आरक्षण समाप्त कर दिए, हमको दुख पहुंचा दिए, हमारे पेट में छुरा भोंक दिए, पीठ में तलवार घोंप दिए और हमको आप राज्योत्सव में राशि आदि नेत्र महोत्सव के नाम से हमको आदिवासियों को नाचने के लिए आप बुला रहे हो। आज हम 32% आरक्षण के लिए ज्ञापन देने माननीय कलेक्टर रायगढ़ के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को देने यहाँ आए हैं। हमारी प्रमुख मांग है जो पूर्व में 2012 से हमको 2022 तक 32% आरक्षण हमारे जनसंख्या के अनुपात में प्रदत्त था, वह हमें पुनः प्राप्त हो।